बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि 5 तारीख को खान साहब के जेल में 1 साल पूरा होने को आ जाएगा। 1 साल में खान साहब ने जेल में गुजारा। इस वक्त खान साहब की किसी केस में कोई कन्विक्शन नहीं है। खान साहब को जेल में नाजायज रखा गया है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। बुशरा बीबी को भी जेल में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि खान साहब पर प्रेशर डाला जाए। इस नाजायज गिरफ्तारियों के खिलाफ, इन नाजायज केसेस के खिलाफ, इन नाइंसाफियों के खिलाफ, खान साहब से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में इस वक्त जो लाकानूनीत है इसके खिलाफ, जबरी गुमशुदियों के खिलाफ, अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए हम 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करने जा रहे हैं। ये खान साहब की पुकार है, खान साहब के साथ इजहार यकजहती करने के लिए कि वो अगर आपसे दूर है पर आप खान साहब के करीब है। मेरी सब पाकिस्तानियों से, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले, छोटे बड़े, औरत और मर्द, हर वाकअप लाइव के लोग आए खान साहब के साथ, इस लाकानूनीत के खिलाफ, इस जबरी गुमशुदियों के खिलाफ, खान साहब के रिहाई के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले और 5 अगस्त को सवाबी के जलसे में शिरकत करे। ये खान साहब की पुकार है। आप उस पे लब्बे कहते हुए अपने हाजिरी बनाए, खान साहब के साथ इजहार यकजहती करें। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलेंगे 5 अगस्त सवाबी के मुकाम पे।